मी डॉक्टर रायमन पाटील कात्री हॉस्पिटलमध्ये कन्सल्टंट गायनेकोलॉजिस्ट आणि सोनोलॉजिस्ट आहे. इथे सगळे प्रकारचे स्त्रीरोग निदान होतात. आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है. मियां बीवी के झगड़े में पड़े चचेरे साले पर मामला दर्ज. सोलापुर बीड़ी घरकुल के रहने वाले अकील शकील सैयद के अपनी पत्नी आरिफा के साथ घरेलू विवाद हुआ था, जहां इस विवाद में सोलापुर शहर बुधवार बाजार के रहने वाले इमरान हवलदार नामी व्यक्ति ने आकर गाली गलौज कर अकील को दांत से काटा. ऐसी फिरियाद वड़संग पुलिस थाने में अकील सैयद ने दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने आरोपी इमरान हवलदार के खिलाफ IPC 323, 324, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है. मैं राष्ट्रवादी OBC खजींदार अकील सैयद, मेरा इमरान अब्दुल रहमान हवलदार MIM का कार्यकर्ता, मेरा उसके साथ 18/2/2023 को झगड़ा हुआ था. तो फिर वो मेरे घर में आया और मेरे घर में आकर तू मेरे भान को 500 रुपये खर्चे को कहीं को नहीं देता बोल को मेरे साथ मारामारी चालू कराया और मेरे जो घर में जो लकड़ी थी वो लकड़ी उठा को मेरे पाँव पर मारा. मारने के बाद जब मैं उसके दोनों हाथ पकड़ा तो दोनों हाथ पकड़ने के बाद उन मेरे यहाँ खांदे को कतरा. तो कतरने के बाद फिर आजू बाजू वाले लोग आपको छुड़े. छुड़ाने के बाद फिर जब उसको मालूम पड़ा कि मैं उसके ऊपर केस कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर गुनाह दाखिल कर रहा, तो मेरे घर वालों को महिला को शिकला को वो कान काटा बोल को ले जाओ मेरे ऊपर खोटा गुनाह दाखिल करा. दाखिल कर को और मेरी मीडिया में नाम बदनाम करा, मेरे को मीडिया में जलील करा. तो आज मैं पुलिस प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि SP मैडम का और हमारे वड़संग साहब के अधिकारी साहब का, कि आज मुझे इंसाफ मिला और आज इमरान अब्दुल रहमान हवलदार इसके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ. तो आज हमारे कुछ दोस्त MIM के शास्त्री नगर के कार्यकर्ता और हमारे शास्त्री नगर के दोस्त, ये दोस्त बिरादार सब उसको समझा रहे कि बाबा वो झूरू मरद का है मसला, तू उसके अंदर इतना इन्वॉल्व कहीं को रहा. वो सक्का भाई भी नहीं है जो मेरे घर वाली का, मेरे घर वाली का चाचा का बेटा है. तो आज 3 महीने बाद बुधवार बाजार में उसके खुद के घर में ले जाओ मेरे घर वाली को रकेला है और क्या खिचड़ी पका रहा क्या मालूम नहीं. तो मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होने दे और मुझे इंसाफ मिलन दे और मुझे न्याय मिलन दे.